हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 5 डिफरेंट स्टाइल के गजरा हेयर स्टाइल, वो भी शॉर्ट हेयर में। शॉर्ट हेयर में गजरा हेयर स्टाइल करना थोड़ा सा बन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप शॉर्ट हेयर में बहुत ही प्यारी सी गजरा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। और मैं जो भी आज इस वीडियो में गजरा लुक बुक बताऊँगी वो सिर्फ एक गजरे से मैंने अपना पांचों हेयर स्टाइल क्रिएट किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे फर्स्ट जो मेरा गजरा लुकबुक में है उसके लिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक अच्छा सा एक पोनी बना रही हूँ। पोनी आपके ऊपर है, मिडिल हाई लो जैसा आपको पसंद है, जैसा आपके फेस पे सूट करता है आप वैसा बनाओ। उसके बाद मेरे सामने से कुछ हेयर कटिंग्स है, उसको मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अच्छे से निकाल ले रही हूँ। अगर आप पे पूरा साइड लॉक सूट करता है तो पूरा साइड निकालो, अगर पूरा लेफ्ट जो सूट करता है वैसा आप निकालो। उसके बाद जो मेरा पोनी है उसको मैं अच्छे से ट्विस्ट करके एक बन बना लूँगी। बन बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, एक छोटी सी क्लिप से उसको सिक्योर कर दूँगी और उस क्लिप को क्या करूँगी, जो भी मेरे हेयर है उससे ढक दूँगी ताकि वो दिखे ना, क्योंकि रेड कलर का दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद बस हो गया, उसके बाद मैं गजरा से इसको सिक्योर कर लूँगी। तो ये रहा मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल। देखो बहुत ही जल्दी ईजी हो गया। अगर आप जल्दी में हैं, फेस्टिवल में आपको कोई हेयर स्टाइल सूझ नहीं रहा है तो आप इसको करो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है, सब पे सूट भी करता है। सबसे अच्छी बात तो इस हेयर स्टाइल की ये है कि इतनी जल्दी बनती है ना, और बहुत अच्छा परफेक्ट लुक भी देता है। तो ये बेस्ट हेयर स्टाइल है, आप भी उसको एक बार ज़रूर ट्राई करो। ये है मेरा सेकंड हेयर स्टाइल। आप कमेंट करके बताना इन सब में से आपका कौन सा ज़्यादा फेवरेट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड हेयर स्टाइल। उसके लिए मैं एक पफ बना लूँगी, जो क्राउन एरिया होता है ट्विस्ट करके एक छोटी सी क्लच की हेल्प से। उसके बाद क्लच लगाने के बाद मैं थोड़ा सा देख लूँगी सामने की तरफ से, तो मुझे दिख ही रहा है कैमरा में कि मतलब कैसा सामने से दिख रहा है। उसके बाद मैं एक पोनी बना लूँगी, पोनी बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं लो भी नहीं, मीडियम साइज में जो मेरे फेस पे सूट करता है वैसे मैं एक पोनी बना लूँगी। पोनी बनाने के बाद जो मैंने क्लच से जो पफ सिक्योर किया था उसको हटाकर एक मैं 100 पीस जो क्लिप आता है, जो बैक पिन आता है वो लगा लूँगी ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। उसके बाद मैं पोनी को दो डिवाइड में इक्वली डिवाइड करके उसको एक अच्छा सा बन बनाऊँगी, बन को अच्छे से मैं सिक्योर कर दूँगी ताकि कहीं से निकले ना। और एक डबल सिक्योरिटी के लिए, वैसे तो निकलेगा नहीं लेकिन फिर भी एक डबल सिक्योरिटी के लिए मैं दोबारा क्लिप लगा दे रही हूँ। बस ये देखो मेरा कंप्लीट हो गया गजरा लगाकर। जो 100 पीस वाला जो बैक पिन है मैंने उसको ऊपर रखा है और गजरे को नीचे, बहुत ही अच्छा लुक, बहुत ही स्मार्ट लुक उभर के आ रहा है। तो ऐसे एक बार आप जरूर ट्राई करें। और जो सामने के जो मैंने हेयर है एक छोटे से क्लिप से सिक्योर कर दिया, तो ये मेरा हेयर स्टाइल रेडी हो गया। ये रहा मेरा थर्ड हाफ मून गजरा हेयर स्टाइल। इसके लिए मैं जो सामने के जो हेयर है उसको एक जगह इकट्ठा कर लूँगी। अगर सामने से आपके हेयर कटिंग नहीं है तो जो भी आप जिससे आप बाद में हेयर स्टाइल कर सको कुछ ट्विस्ट करके वैसे आप इकट्ठा कर लो। उसके बाद मैं एक पोनी बनाऊँगी। पोनी बनाने के बाद मैं पोनी को दो इक्वल साइज़ में डिवाइड कर लूँगी और एक सिंपल चोटी बनाऊँगी। जैसे मैं चोटी बनाते हैं ना, तीन सेक्शन लेके एक के ऊपर एक करके, वैसा सिंपल सी आपको चोटी बनाना है। चोटी बनाने के बाद में जो हेयर है उसको अच्छे से पुल करूँगी ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा घना दिखे। देखो ठीक ऐसे आपको पुल करना है। पुल करने के बाद मैं क्या करूँगी, दोनों को अच्छे से हेयर बैंड से, हेयर रबर से सिक्योर कर लूँगी। उसके बाद मैं एक के ऊपर एक प्लेस करके उसको अच्छे से सिक्योर कर दूँगी। बहुत ज़्यादा इजी है, आप सिर्फ देखोगे तो भी आप समझ जाओगे। उसके बाद में जो सामने के जो हेयर है जो मैंने छोड़े थे पहले, उसको जो मेरा राइट हेयर है उसको मैं लेफ्ट की तरफ ले जाकर सिक्योर करूँगी, और जो मेरा लेफ्ट की हेयर है उसको मैं राइट की तरफ सिक्योर करूँगी। तो ये देखो कुछ सागर चोटी जैसे बनाते हैं ना, कुछ वैसा इफेक्ट आएगा। और जो मेरे सामने के जो कुछ हेयर है मैं बस उसको निकाले, तो देखो ये कंप्लीट हो गया मेरा गजरा लुक। अब इसके लिए जो गजरा के जो दोनों साइड में हाफ ही लगाऊंगी, तो दोनों साइड मैंने बॉबी पिन से सिक्योर कर दिया ताकि मैं आसानी से हेयर में अपने टक कर सकूं। तो देखो ये रहा रेडी हो गया मेरा हाफ मून गजरा हेयर स्टाइल, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये रहा मेरा फोर्थ सबसे इजी, सबसे क्लासी और मेरा ऑल टाइम फेवरेट हेयर स्टाइल। इसके लिए, इसके पहले मैंने जो बताया था आपको हेयर स्टाइल, जो सामने के जो हेयर है एक जगह इकट्ठा कर लो, उसके बाद आप एक पोनी बनाओ।
पोनी बनाने के बाद उस पोनी को अच्छे से एक वेलवेट का रबर लो, उससे कवर कर दो। वेलवेट लगाने से क्या होगा, आपको जो जूड़ा है थोड़ा बड़ा दिखेगा, बड़ा दिखेगा तो लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और एक बात, ये सारी जो मैंने हेयर स्टाइल की है वो सूट पे की है, आप जब पूरा मेकअप करोगे साड़ी पहनोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब क्या करूँगी मैं, एक जूड़ा नेट लूँगी फाइनल टचअप के लिए, इससे बहुत ही ज़्यादा क्लीन और पॉलिश लुक देगा मेरा जूड़ा। उसके बाद बस एक जूड़ा जो गजरा होता है उससे मैं चारों तरफ टक कर दूंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग सामने के हेयर स्टाइल की तरफ। सामने के जो हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा इजी है, मैं इसको ट्विस्ट कर दूंगी। ट्विस्ट करके जो मेरा हेयर बचता है उसको मैं अपने जूड़े में अच्छे से ऐसे जगह लगाऊंगी जहाँ से दिखे ना। तो ये देखो मेरा जो हेयर स्टाइल है वो गजरा का, वो बहुत रेडी हो गया, बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करो, जिसको नहीं भी आता है वो भी ट्राई करो, ये आराम से बन जाता है। ये रहा मेरा लास्ट गजरा, ओपन हेयर में गजरा हेयर स्टाइल। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे एलिगेंट लगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपके शॉर्ट हेयर है लेकिन आपको गजरा लगाना पसंद है तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी भी है और बहुत अच्छा लुक भी देगा। उसके लिए मैंने अपने हाफ हेयर को खुला रखा है और हाफ हेयर को पोनी बना लिया है। पोनी को अच्छे से टाइट कर लूँगी, जिससे पोनी को टाइट करने से क्या होता है, जो सामने के जो हेयर है ना आपके अच्छे से जो थोड़ा फूला फूला दिखता है, और उसके बाद में कंघी से बैक कॉम्बिंग करके थोड़ा सा और उसको फूला फूला जैसे इफ़ेक्ट आता है वो कर दूंगी। उसके बाद इसके पहले मैंने जो एक सोपिस बैक पिन लगाया था वो लगा लूँगी और उसके ऊपर ही गजरा लगा लूँगी। इससे मेरा जो हेयर है छोटा है तो जो बैक पिन लगाई हूँ उससे वो एक जगह अटक जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। तो देखो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप इसको एक बार सूट पटियाले या शरारे के साथ ज़रूर ट्राई करें ओपन हेयर में। आप इन सभी गजरों को फेस्टिवल और वेडिंग सीजन में ज़रूर ट्राई करें। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।